हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनीस और आप लोगों को आज क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में जो 30% सिलेबस कम हुआ है और कौन कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक कितने परसेंट कम हुआ है, कौन सा टॉपिक कितने परसेंट कम हुआ है, कौन सा टॉपिक कितने परसेंट कितने नंबर का आएगा, ठीक। और आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। देखिए, जो क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है, क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री दो सिलेबस जो है 2021-22 का, 2021 और 22 का सिलेबस जो है, 2021 और 22 का सिलेबस जो है, देखो ठोस अवस्था जो विलयन, देखो ठोस अवस्था जिसको सॉलिड स्टेट विलयन सॉल्यूशन, देखो ठोस अवस्था कितने नंबर का आएगा, ठोस अवस्था 5 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का, ठोस अवस्था 5 नंबर का आएगा। जो विलयन वो आएगा 7 नंबर का, जो विलयन है वो 7 नंबर का आएगा। विद्युत रसायन कितने नंबर का आएगा, विद्युत रसायन आएगा, देखो ठोस अवस्था 5 नंबर का है और विलयन 7 नंबर का है, और विद्युत रसायन 5 नंबर का है, विद्युत रसायन 5 नंबर का है। देखो ठोस अवस्था 5 नंबर का, विलयन 7 नंबर का, विद्युत रसायन जो आएगा 5 नंबर का 2021-22 में आएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2021-22 की जो तैयारी कर रहे हैं, इसी बेस पे आप तैयारी करिएगा। जो टॉपिक 30% कम हुआ है उससे कोई फ़ायदा नहीं, आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। इसलिए मेन फोकस करना, देखो 5 नंबर में विद्युत रसायन 5 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी आएगा 5 नंबर का, ठीक। रासायनिक बलगतिकी कितने, 5 नंबर का। पृष्ठ रसायन कितने आएगा, 5 नंबर का। पी ब्लॉक एलिमेंट आएगा 7 नंबर का। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा 4 नंबर का, ठीक। और उपसहसंयोजी यौगिक, देखो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट 4 नंबर का आएगा, पी ब्लॉक आएगा 7 नंबर का, और उपसहसंयोजी जो आएगा 6 नंबर का आएगा। हेलोल्केन्स एवं हेलोरिन आएगा कितने नंबर का, 5 नंबर का। एल्कोहल फिनाल ईथर आएगा 5 नंबर का। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा 6 नंबर का। और नाइट्रोजन युक्त आर्मिक यौगिक आएगा 4 नंबर का। नाइट्रोजन युक्त आर्मिक यौगिक कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। और जैवण आएगा 6 नंबर का। देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो ठोस अवस्था है विलयन, नहीं जो सॉलिड स्टेट है विलयन, ठोस अवस्था, देखो क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री सिलेबस 2021-22 जो 30% कम हुआ है, वो कौन टॉपिक कितने नंबर का आएगा मैं इसको बता रहा हूँ। देखो ठोस अवस्था जो आएगा 5 नंबर का आएगा, विलयन आएगा 7 नंबर का, विद्युत रसायन आएगा 5 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी आएगी 5 नंबर की, और विश्व रसायन आएगा 5 नंबर का, पी ब्लॉक के तत्व आएंगे 7 नंबर के, डी और एफ ब्लॉक के तत्व आएंगे 4 नंबर के, उस संयोजी को आएंगे 6 नंबर के, हेलोल्केन्स एवं हेलोरिन आएंगे 5 नंबर के, और एल्कोहल फिनाल ईथर आएंगे 5 नंबर के, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा 6 नंबर का, और नाइट्रोजन युक्त कार्मिक यौगिक आएगा 4 नंबर का, और जैव वायु आएगा 6 नंबर का। टोटल कितने नंबर हो गए, 70 नंबर होगा आपका। 70 का पूर्णांक रहेगा टोटल केमिस्ट्री में, 70 का पूर्णांक रहेगा, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा केमिस्ट्री में, 70 नंबर का टोटल आपका 70 नंबर का रहेगा। आप लोग जो बच्चे 2021-22 की तैयारी कर रहे हैं ट्वेल्थ की,
और जो बच्चे 12th में हैं 22 में उनका पेपर होगा, आपको इसी के बेस पे एक टारगेट बना के चलना है और अच्छे से अच्छे अंक लाना है इसमें 12th में। इसलिए आप लोग विशेष का ध्यान दीजिएगा कौन कितने नंबर का चैप्टर है। 30% सिलेबस कम हुआ है जो आप लोग जानते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में COVID-19 की वजह से बच्चों का पेपर नहीं हो पा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट जो होती है MP बोर्ड UP बोर्ड ना, उसने 30% सिलेबस कम किया है। इसलिए आपको विशेष कर ध्यान दे के पढ़ना है। जो आप 30% सिलेबस उसको भी पढ़ेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा। इसलिए आप इसको विशेष कर ध्यान दीजिए। कौन जैसे ठोस अवस्था, मान लो ठोस अवस्था कहाँ से, ठोस अवस्था पर पूछ ले कौन कौन सा चैप्टर कटा है। ठोस अवस्था में देखो, ठोस अवस्था में आपको क्या देखना है, जिसे विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का, देखो विद्युत चुंबकीय गुण कट गया है, धातुओं का सिद्धांत कट गया, धातुओं का बैट सिद्धांत कट गया है, विलयन में कौन सा चैप्टर कट गया है, विलयन में कट गया है, असामान्य आणविक द्रव्यमान वान टाप का नियम कट गया है, और विद्युत रसायन में कौन सा चैप्टर कट गया है, विद्युत रसायन में कट गया है विद्युत अपघटन के नियम। ऐसे बहुत सारे चैप्टर कटे हैं, टॉपिक बाई टॉपिक कट गए हैं। हम आपको टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ठोस अवस्था विशेष कर ध्यान देना है आपको। इस लेवल तैयारी करना है, हाँ 2021-22 लेवल तैयारी करना है आपको, और विषय का फोकस देना है। जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना है आपको, इस पर ध्यान दे के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है। अब वीडियो को मैं यहीं से एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।